स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खोलती है ये तस्वीर, काफी है। सत्ता, सरकार और विपक्ष में बैठे तमाम नेता खूब दावे करते हैं देश में महिलाएं सशक्त हों और उन्हें न्याय मिल रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और आज भी महिलाओं को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसा हम नहीं कहते, ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। सिवनी जिले की छपारा तहसील अंतर्गत ग्राम जूना पानी में कार्यरत आशा कार्यकर्ता जनकपुरी डेहरिया को छपारा स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ BPM योगेंद्र सेन ने आशा कार्यकर्ता को गांव वालों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर नौकरी से निकाले जाने और कार्रवाई न किए जाने के नाम पर 70,000 से अधिक रकम वसूल ली और लगातार रुपयों की मांग की जाने लगी। आशा कार्यकर्ता ने परेशान होकर सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन को शिकायत कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसे गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच के लिए लखनादौन महिला विकास परियोजना अधिकारी मेशराम और सहायक कलेक्टर पंकज वर्मा अन्य लोग को बनाया गया। आशा कार्यकर्ता का कहना है कि महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी राजश्री मेशराम ने मुझे डरा धमकाकर राजीनामा पत्र में सिग्नेचर कराते हुए BPM द्वारा रिश्वत लेने के लिए 50,000 वापस दिलाए गए, लेकिन मुझे पैसा और न्याय दोनों ही चाहिए। बीते कल जांच अधिकारी सहायक कलेक्टर पंकज वर्मा ने सभी को बुलाया और पूछताछ की। शिकायतकर्ता महिला आशा कार्यकर्ता को कहा गया कि आप अगले दिन शपथ पत्र पे अपने कथन और रुपए लेकर उपस्थित हों। आज जब आशा कार्यकर्ता जनकपुर डेहरिया जनपद पंचायत पहुंची तो सहायक कलेक्टर पंकज वर्मा ने कहा अभी जाइए, सोमवार को आना। वही आशा कार्यकर्ता अपने साथ घटित पूरे घटनाक्रम को शपथ पत्र में दर्ज कर राजीनामा के तौर पर 50,000 रुपयों को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं। मैं ग्राम जूना पंचायत की आशा कार्यकर्ता हूँ। मैं 2016 से काम कर रही हूँ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रही हूँ। जून 2023 से मेरा नाम जनकपुर डरिया है। मैं ग्राम जूना पानी रेत की आशा कार्यकर्ता हूँ। कुछ ग्रामवासियों ने मेरी झूठी शिकायत करने के कारण BPM योगेंद्र सेन ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अधिकारी ने हमसे 70,000 रुपए की नौकरी से निकालने के नाम पर 70,000 रुपए से ज्यादा ले चुके हैं और उसकी उनकी शिकायत मैंने कलेक्टर महोदय को दिया। उसने जांच टीम बैठी, उसमें उस जांच टीम में राशि मैडम द्वारा हमको राजीनामा के लिए प्रताड़ित किया गया, जिसमें 50,000 रुपये डरा धमका कर राजीनामा कराकर भी वापस 50,000 रुपये दिलवाए गए। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद हमको दूसरे दिन बयान के लिए बुलाया गया अपर कलेक्टर महोदय जी के द्वारा। शाम को वहाँ गए, 6 बजे वहाँ पर बयान हुए तो सर ने बोले थे हमको कि आप शपथ पत्र के साथ में पैसे वापस कर देना तो दूसरे दिन आके जमा कर देना। जिला कलेक्टर के पास गई थी आप? हाँ। 17 तारीख को वापस करने की कहा था, जब यहाँ पर आए तो क्या कुछ कहा गया? हम जिला कलेक्टर यहाँ पर आए, राजीनामा के लिए हमको परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, तो हमने कलेक्टर महोदय को बताया। पहले सबसे पहले जाके हम कलेक्टर महोदय को बताए हैं कि मैम हमारे साथ ऐसा, राजनीशी मैडम जी जो महिला बाल विकास अधिकारी है उन्होंने हमें डरा धमका कर प्रताड़ित करके वहाँ कैद करके कमरे में हमसे 50,000 रुपये राजीनामा के तौर पे हमको दबाव देकर हस्ताक्षर कराए राजीनामा में और वे पैसा हमको वापस किए गए। हम नहीं चाह रहे थे, हम सहमत नहीं थे कि हम उनको राजीनामा दें। अब जब पैसे वापस करने आप अपर कलेक्टर के पास पहुंचे तो क्या घटनाक्रम हुआ उसके बाद? यहाँ पर महोदय जी ने हमको बोले कि आप चले जाओ, सोमवार के दिन आना, आपको हम सोमवार दिन लेंगे, अभी नहीं लेते, अब घर जाइए आप। 2 दिनों से आप लगातार आ रहे हैं? जी हम बहुत परेशान हो गए हैं, आके यहाँ थक गए हैं, आकर मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। आज शपथ पत्र के साथ कैसे देंगे क्या? सर जी ने बोले कि हम सोमवार दिन ले लेंगे, आप जाइए अभी, आप घर जाइए अभी। क्या मांग है आपकी, क्या कहना, आप आगे क्या चाहते हैं? आगे हम न्याय चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज के साथ।